हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यदि आप सपने में सांप देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। हिंदू माइथोलॉजी में सांप को शुभ माना जाता है, इसको धन का कारक माना जाता है। अधिकतर जहां सांप वहां पाए जाते हैं जहां घड़ा धन का घड़ा गड़ा होता है ज़मीन में, उधर सांप रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सांप जहाँ होते हैं वहाँ धन जरूर होता है। तो आज हम बात करते हैं यदि आप सपने में सांप देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। यदि आप सपने में दो सांप देखते हैं एक साथ तो ये बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने में कामयाब होंगे। ये आपके सुखी दाम्पत्य जीवन का भी संकेत देता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो वो भी जल्द ही दूर हो जाएगी। साथ ही ये प्रॉस्पेरिटी का भी संकेत देता है। यदि आप सपने में दो सफ़ेद सांप देखते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान शिव की, माता पार्वती की कृपा होने वाली है। साथ ही ये जीवन में सुख समृद्धि का भी संकेत देता है। साथ ही ये धन धान्य के आगमन का भी सूचक है। यदि आप सपने में काले रंग का सांप देखते हैं, फन उठाए हुए देखते हैं तो ये एक बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपको कोई सुख देने वाला कोई ऐसी न्यूज़, आपको सुखद समाचार आपको मिल सकता है। यदि आप लगातार सांप को अपने सपने में दिखाई देते हैं, मतलब एक से अधिक सांपों को अपने सपने में लगातार दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है आपकी कुंडली में पित्र दोष या काल सर्पयोग हो सकता है। तो यदि ऐसे सपने आपको बार बार आ रहे हैं तो आपको इसके लिए उपाय करने की ज़रूरत है। आपको शीघ्र ही उपाय करना चाहिए, अपनी कुंडली दिखा के उसके अकॉर्डिंग उपाय करा लेने चाहिए। यदि आप सांप को सपने में काटते हुए देखते हैं, यदि सपने में सांप आपको काट लेता है तो ये भी एक अच्छा सपना है। इसका मतलब है आपको आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो तो उनको संतान प्राप्ति की इच्छा जो है उनकी पूरी हो सकती है। ये सपना आपके लिए शुभ साबित होगा। यदि आप सपने में बहुत सारे सांप देखते हैं तो ये एक अच्छा सपना नहीं है। ये इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में कोई संकट आने वाला है। तो यहाँ पे आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए, शिव जी के मंदिर में जाके पूजा अर्चना अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आपको गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था कि सांप का सपने में आने का क्या मतलब होता है। यदि आपने भी कोई ऐसा सपना देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सपने के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।